सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड अंतर्गत सोनसा गांव के समीप गंगा जल उद्भव परियोजना का पाइप लीकेज होने से गंगा जी के पानी से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल से राजगीर और बोधगया के घरों में पानी पहुंच रहा है, लेकिन सोमवार को नालंदा जिले के रहुई के सोनसा गांव के पास पाइप लीकेज हो गया, जिससे इलाके की सैकड़ों एकड़ रकवा की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने बताया कि उनके कई बीघा में लगे रकवे की फसल पाइप लीकेज होने से जलमग्न हो गया। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता बिमल कुमार ने बताया कि तकनीकी कारणों से पाइप में लीकेज हुई थी, इसका समाधान कर दिया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि पटना जिले के हथदह से पानी की सप्लाई की जा रही है और रास्ते में कई स्थानों पर पानी की लीकेज होती है। सूचना मिलते ही उसे दुरुस्त कर लिया जाता है और इसी तरह से नालंदा के रहुई अंतर्गत सोनसा गांव के समीप पाइप लीकेज होने से पानी बर्बाद हो रहा था और इस पानी से सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। तत्पश्चात जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसे ठीक किया गया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।